मध्य प्रदेश में सियासी संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही राज्य की कमलनाथ सरकार पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। जी हां, अब कांग्रेस अपने विधायकों को मध्य प्रदेश से राजस्थान की राजधानी जयपुर ले जाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। दरअसल सिंधिया परिवार के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही मध्य प्रदेश में 22 कांग्रेस विधायकों ने अपने पद छोड़ दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में नजर आ रही है। भारत में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। जी हां, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले भी भारत की ओर से एडवाइजरी जारी कर कई देशों के वीजा पर रोक लगाई गई थी। भारत की ओर से चीन, साउथ कोरिया, जापान, इटली समेत कुछ चिन्हित देशों के वीजा ऑन अराइवल पर रोक लगाई गई थी। कोरोना वायरस को लेकर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री की एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। भारत में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों की एयरपोर्ट पर जांच की जा चुकी है। आपको बता दें कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 52 तक पहुंच चुकी है। वहीं कई ऐसे संदिग्ध लोगों की भी पहचान की गई है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। फिलहाल इन मरीजों का इलाज जारी है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर भारत में अपनी सारी संपत्ति बेचकर विदेश जाने के फिराक में थे। हालांकि इससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है। ईडी की कस्टडी में आने से पहले राणा कपूर भारत में अपनी 3 बड़ी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश में थे, जिनकी कीमत करीब 1,000 करोड़ बताई जा रही है। राणा की ये प्रॉपर्टी भी अब जाँच एजेंसी के रडार पर है। ये 3 प्रॉपर्टी 40 अमृता शेरगिल मार्ग, चाणक्यपुरी स्थित 18 कौटिल्य मार्ग और सरदार पटेल मार्ग स्थित डिप्लोमेटिक एनक्लेव में स्थित है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी सीधे तौर पर राणा कपूर से जुड़ी नहीं है। हालांकि ईडी के अधिकारियों का कहना है कि यस बैंक के पूर्व चीफ राणा कपूर इन 3 प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राजधानी के टॉप प्रॉपर्टी डीलर्स से अच्छे खरीदार देखने को कहा था, लेकिन इससे पहले ही राणा कपूर जांच के घेरे में आ गए हैं। अब देखना जरूरी होगा कि राणा कपूर की पूरी संपत्ति आखिर कितने तक की पहुंचती है।